चल स्टार्ट कर। हे, चल चल निकल, पुलिस वाले। क्या हुआ सर? चल रहा है सर। है इसे पकड़ो सर। चलो फास्ट। रुको 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 रुको। हे कहाँ गए? क्या हुआ? कुछ नहीं सर। एसिड गिरा। इडियट, नीचे उतर। अरे नहीं सर, मैं चला लूंगा सर। सुना नहीं, नीचे उतर। ए ऑटो रुक। हे आजा भाई, कोई नहीं छोड़। सर कोई दिक्कत नहीं सर, मैं ठीक हूँ सर। ऑटो ऑटो ऑटो, चलो बैठ इधर। सर मैं ठीक हूँ सर। सीधे हॉस्पिटल जाओ सर, अपना ख्याल रखिएगा सर। सीधे कॉल करना मुझे। हाँ बोलो सिद्धू। सिद्धू वो है, साफ साफ बोलो। वो घर है, समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो ना। वो घर के बाहर कोई, देखो डरना मत, डरना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, धीरे रखो, मैं आ रहा हूँ। घर के बाहर बहुत से लोग, मैं आ रहा हूँ, डरो मत। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो तुम डरोगी तो बच्चे भी डर जाएंगे। हे देखो मेरी बात सुनो, बच्चों को बेडरूम में लेके जाओ। पहुंच गई, कुछ नहीं होगा। दरवाजा खिड़की बंद कर दो। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हिम्मत रखना, मारन को फोन दो जरा। क्यों? है कहाँ है, उसे फोन दो। मारन। पापा। डर लग रहा है? नहीं पापा। पापा की बात सुनो। हाँ। मम्मी का ख्याल रखना। डरते नहीं बेटा, कुछ नहीं। ठीक है पापा। मम्मी को फोन दो। हेलो मारन से क्या कहा आपने? ए अगले 10 मिनट में क्या होगा ये मैं तुम्हें बताता हूँ। डर को अपने दिल से निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं भी मम्मी, मम्मी, मम्मी। फोन लेकर ऐसी जगह जाओ जहां पर वो तुम्हें सुन न सके। गो। मम्मी, मम्मी, मम्मी। अभी आती हूँ बेटा। मम्मी, 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 नहीं। हे, इधर जाओ। सुनो डार्लिंग, देखो बाहर आओ। देखो मारन क्या शैतानी कर रहा है, मेरी बात ही नहीं सुनता ये लड़का। जल्दी आओ। सेतु घर पर है क्या? भाई वापस चले क्या? कैसे हो सकता है ये? सर देखो, तुम्हारा बेटा मेरी बात ही नहीं सुनता, मैं तो परेशान हो गई हूँ। रुक 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 रुक। कर दिया। भाई चलो चलते हैं। हे हे रुक रुक। हाँ भाई बोलो। अरे वो घर पे ही है। कौन? सेतुपति। और कौन? क्या बात कर रहा है? इससे मैं तो उसको वहाँ नहीं होना चाहिए। उसकी बीवी उससे बात कर रही है। ए, मुझे जो खबर मिली है वो घर पर नहीं है। कोई तो लोचा है। डर लग रहा है। अभी तक वही है? शायद उन्हें पता चल गया कि मैं वहाँ नहीं हूँ। वो अब तक नहीं गए सेतु। पक्का यहाँ नहीं है? हाँ भाई पक्का बोला, वो यहाँ पर नहीं है। कन्फर्म? एकदम कन्फर्म। कन्फर्म ना? हाँ कन्फर्म। फोन कट। हमारे साथ गेम खेल रहा है, दरवाजा तोड़। तोड़ तोड़। तोड़ रहे सेतु। हिम्मत रखो, हिम्मत। तोड़ तोड़। अरे तोड़ दरवाजा। दरवाजा खुलने वाला है। मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अबे तुम लोग जाओ। अंदर आ गए सेतु। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनके सामने मत डरना। ए रास्ता दे। हाँ भाई आओ। डार्लिंग सुनो ना। आओ ना, जल्दी आओ ना, बेटा बहुत शैतानी कर रहा है। हमारे साथ ड्रामा कर रही है। फोन पे किससे बात कर रही है? रे ए इंस्पेक्टर, मरते हुए बीवी बच्चों की चीखें सुनना चाहता है? सुनो,
मारन वापस आया? फोन का स्पीकर ऑन करो। मारन, निशाना लगा रहा, उन्हें शूट कर। अगर कोई भी आगे कदम बढ़ाता है तो उसकी खोपड़ी उड़ा दे। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। 10 मिनट में आने ही वाले हैं, उनसे बात करके जाना। छोड़ूंगा नहीं किसी को। मेरा शेर, हाँ बोल मामा। फिर बच गया मामा। hey, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, एकदम गोबर हो। फिर छोड़ दिया उसे, बाहर हो गया तो कह काम से। hey, वो लड़का हॉस्पिटल में ही है ना? खत्म कर दे उसे, खत्म कर दे। मैं घर पहुंचूं इससे पहले वो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है मामा। मार डाल पिल्ले को। नादा को, किसी काम के नहीं हो तुम लोग, भागो यहाँ से, किसी और से करवा लूंगा। हॉस्पिटल पहुंचो। हे अंधा है क्या? ध्यान से चल। हे सेतु है। खाना खा लिया डार्लिंग? बच्चे सो गए? ठीक है। Bring the beat, man. अच्छा हुआ, जब शेर इधर है तो उस पिल्ले का शिकार क्यों? पहले समझाया था ना, ऐसी शक्ल बनाएगा तो मुझे हंसी आएगी। खत्म कर दे। सर, भूल गए सर, मैं तो सर,
अरे बाप रे मामा, मामा कहाँ फंसा दिया मामा। अरे ये मेरे बच्चे को मार रहा है। चिल्ला मत सर, आगे मत आना सर, अगर आगे आए ना तो मैं इसको मार दूंगा सर, मार दूंगा सर। हाथ क्यों कांप रहे हैं, निकल ले यहां से, कुछ नहीं करूंगा, चल जा यहां से। अरे हे घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा, डरो मत, मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो, मैं ले चल रहा हूँ तुम्हें। डॉक्टर, इसे जल्दी से लीजिए, इमरजेंसी केस है, जल्दी। क्या यह सच है कि कुछ अज्ञात लोगों ने तुम पर हमला किया था? क्या इंस्पेक्टर सेतुपति ने तुम पर गोली चलाई? यह सच है कि उन्होंने इंक्वायरी के लिए मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया। सब सोचते हैं कि उन्होंने गोली चलाई मुझ पर उन्होंने मुझे शूट नहीं किया। गन उनके हाथ से गिरकर फर्श पर गिरी और गोली अपने आप चल गई। हमले के समय मुझे बचाने वाले वही थे, बहुत अच्छे आदमी है वो, गलत करने वाला तो मैं था। यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इतने दिनों से न्यूज़ वाले तुम्हें दोषी मान रहे थे और आज उस लड़के ने खुद ही मान लिया कि गोली अचानक चली। इतने दिन से बीमार था इसलिए। नहीं, वो झूठ बोल रहा है, गन गिरी नहीं थी। नमस्ते भाई, जो लड़का हॉस्पिटल में एडमिट था वो, ये हम जानते हैं, आगे बोल। केस वापस सेतुपति के पास चला गया, वो गुस्से में होगा, पता नहीं क्या करेगा। अच्छा यही है कि आप सरेंडर कर लें। क्या बोल रहे रे, दोबारा बोलना नहीं ऐसा। हे, इसी में हमारी भलाई है। कैसी भलाई रे? हे, दो पुलिस वालों को जिंदा जला चुका हूँ, क्या बिगड़ गया मेरा? कोई भी चार्ज लगाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। भाई अगर वो अरेस्ट वारंट लेकर के आपके पास आया और अरेस्ट कर लिया तो ठीक है, लेकिन आपको अरेस्ट नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है भाई, उसका पागलपन तो आप जानते ही हैं। चलता हूँ भाई।